आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुलेबरा थाना अंतर्गत रघुनाथ पाली चौक पर स्थित एक दुकान से 5,000 रुपए और एक दुकान से कुछ सामान चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है। लखनपुर देवपाली में बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया था। सदर थाना अंतर्गत तेलीभाटा में रहने वाले एक प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी IRCTC वेबसाइट से टिकट बुकिंग करने के दौरान उनके अकाउंट से 500 रुपए कट जाने के बाद टिकट नहीं हुआ था। वो गूगल से कस्टमर केयर के एक नंबर निकालकर कॉल करने पर उन्हें एक लिंक आया, उसमें क्लिक करने पर उनके अकाउंट से 1,98,000 रुपए कट गए थे। वो साइबर ठगी का शिकार हुए हैं जानकर थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा झांसुरा के दौरे पर आकर पंडरीपत्थर में नए जिले कार्यालय का उद्घाटन किए। झारसा थाना अंतर्गत काली मंदिर रोड में एक महिला घर पर अकेले थे, इसी दौरान किसी ने घर का खिड़की तोड़कर घर से सोने की गहने और 20,000 रुपए चोरी कर लेने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। जिला 108 एम्बुलेंस महासंघ की ओर से विभिन्न मांग को लेकर ADM को एक मेमोरेंडम सौंपा गया। झारसा थाना अंतर्गत सरबहाल में रहने वाले सुधीर मिश्रा नामक एक व्यक्ति अपने घर के सामने बाइक रखे थे, वहां से किसी ने उनकी बाइक चोरी कर लेने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई। बागढ़ी फॉरेस्ट रेंज एरिया में फिर से हाथी हुए कारण भय देखने को मिला। वन विभाग की ओर से 9861735995 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। किरमिरा गांव के सुरेंद्रनाथ पुजारी नामक एक व्यक्ति लेकरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 1,83,000 रुपए लेने आने के दौरान बहरामल सब स्टेशन के पास कुछ बदमाशों ने उनसे वो रुपए लूट लेने की शिकायत की गई है। खिरमा स्थित SMC प्लांट के सामने कोयले से लदा एक ट्रक एक छात्र को टक्कर मारने के कारण वो घायल हुए थे। इस बात का विरोध कर ग्रामवासियों की ओर से प्लांट के सामने धरना दिया गया। सदर थाना अंतर्गत सरसमल गांव के बुधराम मुंडा नामक एक नाबालिग आम के पेड़ से गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिला मेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना मिली। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।